दोस्तों, क्या आप भी स्नैपचैट यूज़ करते हैं और आप लोग अपने स्नैपचैट अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप जो है कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को गाइस आप लोग अभी तक जो है लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप लोग जो है नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि गाइस मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। सो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको अपना स्नैपचैट अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपना स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जो है ऊपर में आपको प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोग ऊपर के साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको सेटिंग का आइकॉन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है, और नीचे के साइड में जैसे ही आप लोग जाइएगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट, तो आपको सपोर्ट के नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आई नीड हेल्प, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद गाइस आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होता है, थोड़ा देर आपको यहाँ पे जो है इंतजार करना होता है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे वेट करिएगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउ कैन वी हेल्प, ठीक है। और उसके नीचे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है सर्च बार है, तो सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है डिलीट माई अकाउंट। ओके, आप लोग जैसे ही डिलीट माई अकाउंट सर्च करिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है हाउ डू आई डीएक्टिवेट और डिलीट माई स्नैपचैट अकाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके नीचे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है टू डीएक्टिवेट और डिलीट योर स्नैपचैट अकाउंट ऑन एंड्रॉयड लिखा हुआ है। और उसके नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टू डीएक्टिवेट और डिलीट योर स्नैपचैट अकाउंट ऑन iOS। तो अगर गाइस अगर आपका जो फ़ोन है वो यहाँ पे एंड्रॉयड है तो ऊपर वाला जो लिंक है यहाँ पे लिखा हुआ है स्नैपचैट अकाउंट पोर्टल, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका जो फ़ोन है यहाँ पे आईफोन है तो आपको नीचे वाले लिंक पर क्लिक करना है। तो मेरा जो फ़ोन है आप लोग देख सकते हैं वो आईफोन है, तो मैं नीचे वाले लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है। ओके, थोड़ा सा आप जैसे ही वेट करिएगा उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे जो है देख सकते हैं लिखा है डिलीट माय अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डिलीट अकाउंट, ठीक। और उसके नीचे में कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपना अकाउंट को यहाँ पे जो है डिलीट करते हैं तो जो आपका अकाउंट है 30 दिन के बाद डिलीट होता है, ठीक है। उसके पहले अगर आप लोग लॉगिन कर देते हैं, यानी 30 दिन के पहले अगर आप लोग अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं स्नैपचैट, तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिलीट करने के बाद 30 दिन के बाद ही आपका जो अकाउंट है वो डिलीट होता है। तो डिलीट करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और उसके नीचे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्नैपचैट अकाउंट का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, फिर यानी कि डाल देना है। उसके बाद गाइस आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो आपका जो अकाउंट है यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ गाइस मेरा वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप लोग जो है नया है तो चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।